हेलो भाई, गुड इवनिंग। मैं यहाँ पे अभी हटिया आया हूँ, और क्या है ना कि यहाँ पे आज ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप देख पा रहे होंगे। और समय हो रहा है 4:30 बजे। रीज़न ये है कि यहाँ पे जो पुलिस आए थे तो सबको मार के भगा दिए, और पिछली बार हटिया में जब आए थे यहाँ पे तो उस टाइम भी सबको मारे थे, और शायद किसी किसी का सामान पलटा दिए थे। तो इन वजह से इन लोगों के मन में वो डर बैठ गया, जिसकी वजह से ये लोग सामान ही नहीं निकाल रहे हैं। फिर देखते हैं क्या क्या मिलता है मुझे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हटिया भी खाली खाली सा है, मतलब चारों तरफ से। जो सब्जी बेचने वाले लोग थे वो पूरी तरह से अपना सामान भी नहीं निकाल रहे हैं। आप ये पूरी हटिया देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम लोग आए हैं, और जो बड़े बड़े दुकान होते थे जो कपड़े बेचने वाले और चप्पल बेचने वाले, वो बेचारे लोग तो आए ही नहीं हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान पिछली बार उन्हीं लोगों को उठाना पड़ा था। मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, देखता हूँ। तो भाई लोग यहाँ पे आखिर भीड़ हो ही गया धीरे धीरे। कहाँ खाई नहीं ले जात नहीं है, खीरा तो मिलबे ना करल। कल हाइयो मिठाई वाला खूब पिता गिलवा। हाँ नाचो जाके गोड़ मचा गिला भागे में, तो तू सच करके पुल में घुसवा के भगवा। तो है ना, तो पूछ ही जाते हैं, होना तो नहीं जाते। यहाँ पे समोसा वाले आ गए हैं, अब मैं उनके पास एक समोसा ले लेता हूँ पहले, क्योंकि ये लोग क्या है ना कि अब पहले यहाँ पे लाकर तलते थे, लेकिन जब से वो पुलिस आने लगी तब से ये लोग घर से ही लाते हैं तलकर, तो ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होती। अब धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं, और जो लोग कपड़े के दुकान लाए थे और वो नहीं खुले थे, वो लोग भी अब खोल रहे हैं, तो शायद अब पुलिस ना आए फिर से। हाँ भाई, तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे, हमें सिम पोर्ट कराना है। ये जो बांस का है, लोग इसे यहाँ पे सूप बोलते हैं। आपके वहाँ क्या बोलते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। करेली काट का किलो हो 20 टका, आधा किलो दे दो तब हमरा। हम यहाँ पे खीरा खोज रहे हैं, अभी मिलता है इसमें। ना पत हम पैसा उनका दे दे ले बने, उनका भेज देते नहीं हम। सामान तो भाई लोग अभी यहाँ पे हम ऐसे खैनी ले रहे थे, तो हमने उनको ऐसे पैसा दे दिया था। मतलब जो मेरे साथ जो वो एक लोग गए थे, तो पैसा मैंने उनको दे दिया था। तो भाई लोग बस हटिया ख़त्म, और आज सब लोग डर डर के थे, बेच रहे थे, और अब मैं अपने साइकिल के पास जाऊंगा। ये मेरी साइकिल और सब काम फिनिश, अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ घर। तो भाई लोग अब मैं यहाँ हटिया से वापस आ गया हूँ, और ये है हमारा गांव, और अब हम यहाँ से उतर के चले जाएंगे। क्या है ना कि आते वक्त हम इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं किए थे, क्योंकि मुझे लगा कि जल्दी जाऊंगा तो जल्दी पहुंचूंगा, क्योंकि यहाँ पे लेट हुआ तो पुलिस आ जाएगी, तो फिर बैठने नहीं देगी किसी को, और ना ही किसी को सामान लेने देगी। हाँ तो भाई लोग, अब मैं यहाँ हटिया से वापस आ गया हूँ घर, मतलब और थोड़ा सा दूर है फिर। और क्या है ना कि आज मैं यहाँ पे हटिया अकेले आया था, क्योंकि मैंने भोला को कॉल किया था 4-5 बार, लेकिन भोला कॉल रिसीव नहीं किया था, जो कहीं होंगे या फिर बिजी होंगे। और साथ में हरे राम भी आने वाला था, लेकिन वो भी नहीं आया था, तो इस वजह से मुझे अकेले ही जाना पड़ा। और बाकी हटिया में सब ठीक ही रहा, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, और पुलिस भी अभी तक नहीं आई थी। और क्या ना कि मेरे जाने से पहले ही सब लोगों को बोल कर गई थी, इसलिए वो लोग सब चले गए थे, और कुछ कुछ लोग चले गए थे और कुछ कुछ लोग बेचने वाले थे। तो जैसे सब्जी वालों का तो कोई इशू नहीं था, लेकिन जो अगर कोई कपड़ा बेचते हों या फिर
चप्पल जूता तो उन लोगों का प्रॉब्लम था, तो वो लोग ऐसे धीरे धीरे खोल रहे थे या फिर कोई कोई इधर उधर जा रहे थे। अभी मैं घर जाऊंगा और फिर यहाँ पे बाहर आऊंगा, मतलब बच्चों लोगों के साथ, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ़ोन भी अभी ही आना था। तो भाई अभी हम हटिया से इसे ये आए थे और गोबर वोबर फेंक के अब जा रहे हैं घर। और क्या है ना कि आज यहाँ पे थोड़ा सा मूड ऑफ था तो लेट हो गया आज शाम में। और क्या है ना कि आज एक सिम भी पोर्ट कराना था इसलिए लेट हो गया। और यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये जो पोदी बाबू हैं ये मतलब पूरा आ रहे हैं। और बाकी ठीक है भाई लोग, आज हटिया में गए तो खैर अच्छी रही हटिया। तो ठीक है भाई लोग, अब हम कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से रहिएगा। ठीक है, बाय।